हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार फिर से भाग टू में। बीकॉम एंट्रेंस के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियो। ये कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं बीकॉम के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो बना जा रहा है। जैसा कि भाग टू दिख रहा है तो भाग एक भी बना होगा। भाग एक को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है। अब इस भाग में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नंबर सिस्टम मैंने भाग वन में स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम को अगला भाग में बेसिक चीजें फिर से बताने वाला हूँ। वो है भाज्यता की जाँच, मतलब हम कैसे पता करेंगे दो से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएगी, तीन से कौन कौन सी कटेगी, चार से कैसे कटेगी, ये सब चीजें कैसे कटेगी, ये सब चीजें मैं बेसिक चीजें आज आपको बताने वाला हूँ। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है वर्गमूल ज्ञात करने में। जैसे वर्गमूल हम गुणनखंड विधि में निकालते हैं और उसके साथ साथ लसन निकालते हैं, तो जब काटना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं कि कैसे पता चलेगा दो से विभाज्य है या तीन से। चलिए बताते हैं। तो दो से विभाज्य संख्याएं कैसे पता चलेगा? जिसके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इतना कोई भी संख्या अगर आ जाए अंत में होना चाहिए तो वो दो से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो 18280, इसमें अंत में संख्या क्या आया है, 0, तो इस सभी में से 0 अगर आया है तो ये पूरी की पूरी संख्या दो से कट जाएगी। या अगर देखा जाए 15728, तो अब देखा जाए अंत की संख्या क्या है, 8 है, तो 8 इसमें है, ये है, तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये संख्या अगर मिल गई लास्ट में तो ये पूरी की पूरी संख्या दो से आप काट सकते हैं बेहिचक। चलिए अब तीन से विभाज्य होने वाली संख्या को बता देते हैं कि तीन से विभाज्य होने वाली संख्या कैसे करते हैं। देखिए, इसके लिए कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई भी संख्या दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 527 है, अब पता करना है कि ये तीन से कटेगा या नहीं। दो से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में वो संख्या नहीं है जो हमने बताया था इसमें। अब तीन से काटने के लिए हमें क्या करना होता है, इन तीनों का योग करना होगा। 7 × 2 = 9 और 9 × 5 = 14 हो गया। अब देखेंगे 14 तीन से कटता है पूरा का पूरा कि नहीं, ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, तो इसलिए ये पूरे का पूरे संख्या तीन से नहीं कटेगा। लेकिन अगर देखा जाए 81 को, तो 81 तीन से कटेगा, कैसे पता करेंगे? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 8 + 1 = 9, और 9 तीन से अगर पूरा पूरा कट जाता है तो ये पूरा का पूरा संख्या तीन से कट जाएगा। मतलब कहने का आप समझ गए कि कोई भी संख्या रहे वो तीन से कटना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बड़ा वाला बता देता हूँ। जैसे मैंने ये संख्या ले लिया है 7323, इसको चेक करना है तीन से कटेगा कि नहीं। तो देखिए 3 और 2 = 5, 5 × 3 = 8, 8 और 7 = 15, तो 15 इसका टोटल आ गया जोड़ने पे, और ये 3 से चेक करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो ये भी संख्या पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। अब चलिए 4 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता होती है इसको बताते हैं। इसके लिए कंडीशन होता है कि अंत का दो संख्या देखना होता है, अंत के दो संख्या, अंत में दो संख्या देखेंगे, जो दोनों संख्या अंत का रहेगा वो 4 से पूरा का पूरा भाग चला जाना चाहिए, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 21 28, तो अंत का दो संख्या मैंने देखा ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। 28 जो अंत का है वो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 × 7 = 28, मतलब ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग चला जाएगा, कह सकते हैं ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसका चेक करने का है कि अंत की दो संख्या 4 से पूरा का पूरा डिवाइड अगर होगा तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो सकता है। 5 के लिए क्या कंडीशन है, जिसके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से भाज्य चला जाएगा या कट जाएगा। जैसे 1000, अब इसके अंत में क्या है, 0, तो ये 5 से कट जाएगा। जैसे 525, या इसमें और जोड़ लीजिए ये, तो अगर 5 अंत में आ गया तो वो कटेगा ही कटेगा पूरी की पूरी संख्या। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। अब चलिए 6 से विभाज्य होने की संख्या बताते हैं। अब 6 से विभाज्य होने के लिए हमें दो कंडीशन अपनाना होगा, पहला 2 को देखना होगा, दूसरा 3 को देखना होगा। कैसे, पहले कोई भी संख्या देखेंगे, जैसे 2, 4, 8, 5, 6, ये मैंने संख्या ले लिया, अब चेक करना कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए कंडीशन देखेंगे, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो अंत में 6 आ गया तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से चेक करना है ये होगा, तो 6
5 11 11 8 19 19 4 23 2 25। तो 25 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, तो ये 6 से नहीं होगा। 6 से कंडीशन ये है कि दोनों से होना चाहिए, अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा ये संख्या तो 6 से भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये कंडीशन ध्यान रखिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, तो वो 6 से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक बता देते हैं हम, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, अब इसको चेक करना 6 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए पहले तो अंत में देखेंगे 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से हमने काट लिया, फिर चेक करते हैं अब ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो उसके लिए देखिए 4 2 6 6 7 13 13 5 18, तो 18 भी 3 से कट जाता है, तो इसलिए 2 और 3 से कटी हुई संख्या 6 से कट सकती है। अब अगला है 8 से विभाज्य होने वाली या 8 से कौन सी संख्या कट सकती है, उसको देखिए। इसके लिए कंडीशन होता है कि अंत के तीन संख्या अगर 8 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाए तो ये पूरा का पूरा संख्या विभाज्य हो जाएगा। जैसे 2 0 0 ये मैंने ले लिया, अब इसको चेक करना है कि ये कटेगा या नहीं। तो अंत के तीन संख्या को चेक करना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं। तो काटेंगे तो 8 3 के 24 हो गया, बचेगा 4 40, 8 5 के 40। तो ये तीन संख्या अगर 8 से कट जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट सकती है, ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 9 से विभाज्य होने की संख्या देखिए, जो संख्या 3 से कट जाएगी वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। सिंपल सा तरीका वही चीज है, 3 के लिए मैंने अप्लाई बता दिया कैसे करना है। 10 के लिए क्या होता है, जिस संख्या के अंत में केवल 0 हो, कोई भी संख्या 0 हो तो वो कट सकती है। जैसे 10 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, या ऐसे ले लीजिए, कोई भी संख्या रहे उसके अंत में अगर केवल 0 हो तो वो 10 से कट जाएंगे। अब 11 के लिए क्या होता है उसको देख लीजिए। इसके लिए कंडीशन होता है यदि दी गई संख्या कोई भी संख्या रहे तो वो संख्या विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम का क्या होना चाहिए, विषम के स्थानों का योग तथा सम संख्याओं के स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर अगर घटाया जाए तो वो आना चाहिए 0 के बराबर, तो वही हमारा 11 से कट सकता है। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, ये संख्या, तो ये क्या है, इस 11 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे लगाते हैं, इस बेसिक नियम से ही सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ बता देते हैं, कुछ पार्ट 3 में मैं बता देता हूं क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है, पहला, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या कौन, मैंने बताया था कि जो संख्या ना हो, जैसे पाई, पाई क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय देखिए वो संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसके लिए क्या बचा, ये इसको हल करके बाहर निकालेंगे तो केवल 2 आएगा। देखिए ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ये पी है और ये क्यू है, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है 5 बार 8 लिखा गया है, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार 8 लिखा गया है, इसका टोटल का योगफल बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं इसको जोड़ना शुरू कर देंगे, तो ऐसे पहले जोड़ेंगे फिर ऐसे जोड़ेंगे, ये कुछ नियम नहीं है, इसका शॉर्टकट नियम मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 8 में 5 का गुणा करेंगे, इसके लिए कितना आ गया, 8 5 40 हो गया, 40 40 के लिखेंगे 0 4 हासिल हो गया। फिर अगला स्टेप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, 800 के 32 और 4 36, 36 के 6 हासिल 3। फिर अगला क्या करेंगे, 8 में अब 3 से करेंगे, ये क्रमवाइज घटता जाएगा, 8 3 के 24 और 24 हासिल कितना था, 3 24 3 27, 27 की 7 अब हासिल 2 हो गया। फिर 8 में अब 2 का गुणा करेंगे, 8 2 के 16 और 2 हासिल 18, 18 की 8 लिख लेंगे हासिल 1 हो गया। फिर 8 में 1 का गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8 और 1 9, ये 9 का 9 टोटल लिख लेंगे। तो हम देखा जाए तो इस टोटल इसका योग कितना होगा, इसका टोटल जो योग है ये जो आया हुआ है वही, तो
तो नीचे से लिखना शुरू करेंगे 98760, यही हो जाएगा इसका टोटल। अब एक और क्वेश्चन इसका बता देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है इधर से शुरू किया है, चार दो बार चार है और ये तीन बार है और ये चार बार है और ये पांच बार है। तो इस प्रकार से भी अगर टोटल करें तो वही चीज करेंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे आठ नहीं है, इस बार फोर है, तो फोर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फाइव में, तो पांच चौके हो जाएगा बीस और बीस का जीरो लिखेंगे दो हमारा हासिल हो जाएगा। फिर उसी चार में क्रम वाइज घटा देंगे, 16 और 2 18 की 8 लिखेंगे और एक हमारा हासिल हो गया। फिर उसी में क्रम वाइज घटा देंगे, 4 3 के 12 और 13 की 3 लिखेंगे, हासिल एक हो गया। फिर 4 में अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 के 8 और एक 9, तो 9 का 9 लिखेंगे, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा टोटल 4। तो हमें इस तरह क्या मिला, 49380। तो ये संख्या हमें मिल गया, इसका हमें टोटल मिल गया ये संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन चाहिए आपको या इसके माध्यम से और भी कोई ट्रिक चाहिए, इस तरह के बहुत ऐसे ट्रिक है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का जोड़ घटाना गुणा भाग आए, मैं सभी को सोल्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो आपको इस तरह का मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इसका भाग 3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है। धन्यवाद।